तो यहाँ पर मैंने उन सभी टॉपिक्स के नाम लिखे हैं जो टॉपिक्स में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो ये सभी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ ठीक है कॉर्डेड इन अभी लेटेस्ट सेशन में हुआ है हमारा कॉर्डेड इन हो चुका है कॉर्डेड सिलॉजिज्म हो गया रिवर्स सिलॉग्स भी मैंने कराया है मिक्स्ड रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कौन सा होता है बच्चों जिसमें आपको अल्फाबेट भी दिया जाता है सिंबल भी दिया जाता है नंबर भी दिया जाता है दो तरह दो नंबर्स हो सकते हैं दो सिंबल्स हो सकते हैं तो हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको मिक्स्ड कॉडिंग रिकॉर्डिंग में हाई लेवल कॉडिंग रिकॉर्डिंग में कराया है अल्फा न्यूमेरिक कॉडिंग का क्वेश्चन भी कराया जिसमें आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए जाते हैं और उनके रिस्पेक्टिव कुछ कोड्स सिंबल्स की फॉर्म में दिए जाते हैं वो होते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको कहता है कि अगर आपको फर्स्ट और लास्ट मतलब कि आपको कुछ नंबर दिया गया है अगर नंबर ऑड है तो आपको उसको इसिस में चेंज कर देना ऐसा ऐसा कर देना तो ये वाले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ इनपुट आउटपुट इनफैक्ट मैंने बेसिक से कराया है मेरी एक वीडियो है आई एम बैक वाली ठीक है उसके बाद से जितनी भी वीडियोज हैं आप सभी के लिए वो बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों SBI क्लॉक मींस के लिए तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है सबसे पहली बात फायदा बताती हूँ रिकॉर्डेड सेशंस हैं लाइव कराती डबल टाइम लगता तो बहुत कम ड्यूरेशन के सेशंस हैं तो जाओ जिसने जिसका कुछ भी मिस हुआ है आई एम बैक वाली वीडियो के बाद में कुछ भी मिस हुआ है तो उस वीडियो को जरूर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट मी और इस तरीके से सिखाया गया है कि अगर कोई बिगिनर बच्चा है ना उसको भी समझ में आ जाएगा तो ये सभी टॉपिक्स क्रिटिकल रीजनिंग का एक सेशन में ले चुकी हूँ बच्चों और कॉर्डेड ब्लड रिलेशन भी अभी मैंने लेटेस्ट कराया है ये सभी टॉपिक्स आपके एक एक बार कंप्लीट हो चुके हैं अब से आगे से मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपके लिए क्योंकि लगभग जो आपके मेंस में टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हो चुके हैं एक आध टॉपिक बचा है मैं वो भी आपके लिए लेकर आई हूँ वो मैं आगे करा दूंगी पजल्स अब से मैं डेली बेसिस पर वैसे पहले भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी लेकर आती रहती हूँ तो पजल्स भी लेकर आऊंगी एक मेट्रिक्स वाला क्वेश्चन है जो बहुत कम पूछा जाता है मैं वो भी आपको करा दूंगी इन तीन टॉपिक्स के अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो सबसे जरूरी आपके लिए क्या है जो भी वीडियो आपकी मिस हुई है सबसे पहले आपको उसे देखना है कंप्लीट करना करोगे ना करना है ठीक है चलो आज के सेशन की बात करूं तो मैं आज आपके लिए एक कपल वाली वीडियो लेकर आई हूं कपल वाली पजल सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है सीटिंग अरेंजमेंट लेकर आई हूं और हम प्रैक्टिस डेली बेसिस पर कुछ नया लेकर आऊंगी और पिछले हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं ताकि आपका वो कुछ भी छूटे नहीं तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए पुराने में से लेकर आऊंगी तो एक मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर आई हूं आपके लिए ठीक है तो एक हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है पेपर में कोई तुम्हारे पेपर में एसबीआई क्लर्क मेन्स में ट्रस्ट मी जो भी पजल जाएंगे ना तुम बड़े ही आसानी से बना सकते हो तरीका बताऊंगी कुछ नहीं करना देखकर डर लगेगा कि हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं है एक तरीका बताऊंगी शुरू से लेकर एंड तक कि तुमको कैसे बस पढ़ना है नोट डाउन करना साफ सुथरा उसके बाद ट्रस्ट मी क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी ठीक है आ जाओ फटाफट फड़ से, से सेशन को स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा ये है आप सभी के सामने आज की सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें आपको चार साल दिए गए हैं सात कपल्स दिए गए एक बार फटाफट फड़ से स्क्रीनशॉट ले लो देख लो सभी बच्चे हिंदी वाले बच्चे नाराज मत हो ये लो भाई चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट कुछ भी हो उसको सॉल्व करने का दी बेस्ट तरीका एसबीआई क्लॉक मेन्स के लिए बता रही हूं क्योंकि पीओ मेन्स में या एसबीआई पीओ मेन्स हो आपका आईबीपीएस पीओ मेन्स हो वहां पर फिर भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये डुएबल लग रही है या फिर थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय लग सकता है एस बी ए क्लर्क मीन में सभी पजल्स लगभग लगभग डुएबल ही होंगी मतलब कि टाइम में हो जाएंगी ऐसा नहीं होगा कि नहीं होंगी और ऐसा तो नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चन ही करने हैं हमको मैक्सिमम स्कोर करना है अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया स्कोर करना है ना तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पजल को बहुत आराम से टुकड़ों में जब कभी लगता है कि नहीं समझ में आ रहा एक लाइन बहुत बढ़िया उसको ब्रेक करके आधा आधा करके पढ़ो और साफ सुथरा अपने पेज पर नोट करो तुमने जो जो पढ़ा एक एक लाइन को शायद हो सकता है कि जब तुम आधा पजल नोट डाउन कर चुके होगे तब तक तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन जब तक तुम सारा का सारा नोट डाउन करोगे ना और एकदम साफ सुथरा याद रखना होच पोच नहीं करना है मिक्स मैच नहीं करना है साफ सुथरा नोट करोगे तो बाय द एंड ऑफ द पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछा है क्या करना है फिर थोड़ा 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 दिमाग दिमाग लगाओगे हो जाएगा ट्रस्ट बेस्ट तरीका है बस शांति शांति से शान्ती से नोट करना अगर फालतू का बीच में ही दिमाग लगाने लगोगे ना कि अरे इसमें तो हमको अभी तक ये भी नहीं पता चला इसने इसके बारे में ये भी नहीं बताया इसके बिना तो हम क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आधे क्वेश्चन पढ़ने से कभी कुछ नहीं पता चलेगा जब तक कि आप पूरा नोट नहीं कर लोगे ठीक है आ जाओ तो यहाँ पर कपल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस टी यू वी सात कपल्स मतलब टोटल चौदह लोग उसने आपको यहाँ पर दिए हैं इनकी शादी हुई है डिफरेंट डेज ऑफ द वीक अलग अलग डेज को हुई है ऑफ द वीक सिंपल आपको बताया स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे मतलब मंडे ट्यूसडे ट्यूजडेडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सात दिन सात कपल्स की शादी हुई है ईच कपल गोट मैरिड इन वन ऑफ द फोर ईयर हर कपल की शादी हुई है आपको चार ईयर है दो हजार पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह अब सात कपल्स हैं और चार साल दिए गए मतलब कि रिपीटेशन होगा मतलब कि हो सकता है कि एक साल में एक से ज्यादा कपल्स की शादी हो आगे पढ़ लेते हैं समझ में आ रहा है ना बढ़िया इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो जाएंगे बस समझना है आराम से पढ़ना है जल्दबाजी नहीं करनी है एटलीस्ट वन कपल गोट मैरिड ईच ईयर कहता है कम से कम एक कपल की शादी हुई है एक साल में हर एक साल एक कपल की तो शादी हुई है एटलीस्ट वन कपल

तीन चार एक एक कपल की तुमने शादी कराई चार सालों में अब बच्चे कितने और तीन बच गए ना तो मतलब कि इनको को कोई तीन साल ऐसे होंगे जिसमें दो कपल्स होंगे और एक साल ऐसा बचेगा जिसमें सिर्फ एक कपल होगा ये चीज समझ में आती है कोई बात नहीं दे आर सिटिंग इन टू पैरल रोज दो पैरल रोज में बैठे हैं कंटेनिंग सेवन सीट्स इन ईच रो अब समझ में आता है ये डबल रो वाला क्वेश्चन है जो हम पर, पढ़ते हैं ना फेसिंग ईच अदर वाला नॉर्थ फेसिंग एक रो में साउथ फेसिंग दूसरी रो में इस तरीके का क्वेश्चन है कहता है दो पैरेलल रोज में बैठे हैं सात सीट्स हैं हर एक रो में एंड एवरीवन इज फेसिंग और हर एक पर्सन किसको फेस कर रहा है अपने को मान लो कि अगर ए की शादी बी के साथ में हुई है तो क्या होगा ए के सामने बी बैठा हुआ होगा अगर सी की शादी डी के साथ में हुई है तो सी के सामने डी बैठा हुआ होगा सिंपल स्पाउस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं कपल एक मतलब कि कपल का एक पर्सन अगर मेल है तो वो अपनी वाली फीमेल को फेस करेगा सिंपल है एफ जी आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ बना लेते हैं एबीसीडी ई एफ जी रो वन फेसिंग नॉर्थ सात लोग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के कौन कौन से हैं ए बी सी डी ई, एफ एंड जी, ऑब्वियस बात है जो बाकी के बच गए यहां पर कौन कौन से होंगे एक बार नाम पढ़ लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी सिटिंग इन रो टू फेसिंग साउथ ठीक बात है डन हो गया हमको चार साल मेंशन थे ना वहां पर 2015 सोलह सत्रह और अठारह तो दो दो कपल्स की शादी हुई है एक साल ऐसा होगा जिसमें एक कपल आएगा ठीक है चलो एक और चीज रह गई हमारी मंडे से लेकर डेज भी तो दिए थे मंडे ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ये हो गए हमारे डेज इस तरीके से हमेशा चलना होता है सब चीजें जो जो उसने बोली है अगर उसको आराम से प्यार से नोट डाउन करके चलेंगे साफ सुथरा क्वेश्चन पक्का होगा कहता है द कपल्स मैरिड इन द सेम ईयर गोट मैरिड इन द सेम वीक ठीक है यू गोट मैरिड टू द वन हु हुट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी

बी तीन लोगों का अरेंजमेंट एक तरीके से मिल गया बी तो और यू का क्या सेम है शादी इनके जिस ईयर में हुई है ना इनका मैरिज uh, वाला ईयर सेम है मैरिज वाला ईयर सेम है तो मैं इसको ऐसा डॉट और डॉट कर रही हूँ कि ये सेम ईयर में आएंगे शादी नहीं हुई दोनों की बी के सामने यू नहीं है यू की जिसके साथ शादी हुई है वो बी के सेकंड लेफ्ट पर बैठता है यू और बी का मैरिज वाला साल सेम है सिंपल मैंने इसीलिए डॉट डॉट बना दिया मेरा तरीका है नोट करने का आपको जैसे करना वैसे करो तो यू गोट मैरिड टू द वन यू की शादी हुई जिसके साथ वो बी के सेकंड पर है। बी married, ये मैंने नोट कर लिया बी की शादी कौन से साल में हुई जिस, जिस साल यू की शादी हुई row, पर आएगा एंड इज मैरिड टू टू द लेफ्ट ऑफ ऑन वेन्सडे क्या कहता है एस एंड पर आएगा और उसकी शादी हुई है टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए पहले इतना ऑन वेडनेसडे बात किसकी हो रही थी एस की हो रही थी ना एस एंड पर बैठता है उसकी शादी हुई है जो ए के सेकंड लेफ्ट पर बैठता है ऑन वेडनेसडे मतलब एस की बात हो रही है एस की शादी वेडनेसडे के दिन हुई है ऑन वेडनेसडे ए के लिए नहीं है बच्चों ठीक है क्योंकि बात एक्चुअली एस की चल रही थी हमारा जो प्राइमरी सब्जेक्ट है दैट इज एस एस के लिए वो आगे बात बता रहा था कि एस की जिससे शादी जिसके साथ शादी हुई है वो ए के सेकेंड लेफ्ट पर है तो अब पहली बात एस तुम्हारा बोला गया है कॉर्नर पर तो एस ने आना है या तो इस कॉर्नर पर या इस कॉर्नर अगर मैं एस को इस कॉर्नर पर बनाती हूँ एस की शादी हुई है जो कि ए के सेकंड लेफ्ट पर है तो यहाँ तो ए का सेकंड राइट बनेगा लेफ्ट बन नहीं सकता मतलब कंफर्म हो गया एस हमारा आ जाएगा यहाँ पर एस की किसके साथ शादी हुई इसके साथ यहाँ पर जो भी आएगा वो किसके सेकंड लेफ्ट पर है ए के सेकंड लेफ्ट पर तो ए हमारा यहाँ पर नहीं आ जाएगा सिंपल अब उसने एक और क्या बात बोली थी एस की शादी हुई है वेंसडे के दिन तो मैं एस को यहाँ पर लिख रही हूं चलो आगे चलते हैं

संडे के दिन कौन सा होगा दो वाला एक कपल आ जाएगा ठीक है दो वाला अब हमको नहीं पता दो में एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं देख लेंगे वो हम कोई बात नहीं आगे और बढ़ते हैं ई एंड क्यू एंड क्यू आर नॉट अ कपल बट दे got मैरिड इन the year 2018 कहते हैं ई और क्यू दोनों की शादी मतलब कि दोनों कपल नहीं है दोनों की आपस में शादी नहीं हुई लेकिन दोनों का ईयर सेम है यानी कि दोनों की सेम साल 2018 में शादी हुई है किसकी ई और क्यू की तो पहली चीज ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी ठीक है लेकिन ये कंफर्म है उसने कहा ई और क्यू दोनों का शादी वाला साल मैरिड मैरिज ईयर सेम है तो एक है हमारे पास में ई और एक है क्यू दोनों कपल नहीं फॉर्म करते तो दो में दो लोग हैं अब हमको नहीं पता संडे वाले दिन कौन सा आएगा कोई भी आ सकता है वो अभी हम धीरे यही बात होती है जब क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता है ना ये अरे 2018 के लिए तो दो कपल्स आ गए अब हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा कि सबसे लास्ट में किसकी शादी हुई है न्यूली मैरिड कपल यहाँ पर कौन सा आएगा दिमाग फालतू का चलाना ही नहीं है पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो अभी तो दो तीन लाइन्स पढ़ी है सिर्फ सिर्फ दो तीन लाइन्स हुई है आ जाओ d got married in the year 2015 d की शादी हुई है 2015 में ये लो v sits exactly in the middle of and u and r u और r के exactly बीच में कौन है v u और r के एकदम बीच में v मतलब यहां से भी गैप बराबर यहां से भी अभी हमको पता नहीं है u कहां पर है तो रुक जाते हैं मतलब की पी और सी आमने सामने आएंगे बीच में दो लोग हैं तो ई e और एफ के बीच में दो लोग हम बना देंगे जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु गोट मैरिड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक कहता है जी की शादी हुई है जी सिट्स जी कहां पर बैठता है थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु गोट मैरिड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक पहला डे वीक का है मंडे तो जिसकी शादी मंडे को हुई है उसके थर्ड राइट right पर जी आ जाएगा मंडे को इस दिन मंडे को जिसकी भी शादी हुई है मुझे नहीं पता किसकी हुई है उसके थर्ड राइट right पर मुझे बनाना है जी को मैंने यहाँ पर इसको ऐसा नोट कर लिया है सिंपल कोई बात नहीं लग रहा है ना कि हम जो कंडीशन नोट कर रहे हैं हम बना नहीं पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी है लास्ट तक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है बी गोट मैरिड इन द दर दो हजार सोलह ऑन विच है थर्सडे तो यानी कि बी की शादी हुई है थर्सडे के दिन और ईयर बता दिया 2016 बी की शादी हुई है जस्ट नेक्स्ट डे थर्सडे के दिन वेंसडे के जस्ट नेक्स्ट डे कौन सा है थर्सडे तो बी की शादी और हुई कब है 2016 में तो ये लो सी गोट मैरिड इन the year 2017 on Friday. फ्राइडे सी की शादी कब हुई है बच्चों 2017 में फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन सी 2017. चलो ठीक है आगे जी गोट मैरिड बिफोर फ्राइडे फ्राइडे से पहले जी की शादी हुई है फ्राइडे से पहले मतलब कि यहां 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 कहीं पर भी तुम्हारा क्या आ सकता है जी आ सकता है जी की शादी हुई है फ्राइडे से पहले ठीक है अब एक बात समझो या तो ट्यूसडे या मंडे को आएगा जी या ट्यूसडे को या मंडे को आएगा जी है ना मंडे के दिन नहीं आ सकता क्योंकि मंडे के थर्ड राइट पर जी आना चाहिए तो मतलब कि जी तुम्हारा आ सकता है यहाँ एक बात बी के साथ में तुम फ्राइडे से पहले बी के साथ में जी नहीं बना सकते क्योंकि बी और जी दोनों सेम लाइन पे हैं है ना बी और जी की शादी नहीं हो सकती है एस के साथ में जी आ सकता है चलो एक और चीज शायद हो सकता है कि जी यहाँ पर भी आ जाए ठीक है चलो कोई बात नहीं देख लेंगे आगे चलो टी नॉट मैरिड इन द ईयर 2018 टी की शादी 2018 को नहीं हुई 2018 में टी नहीं है यहाँ पर टी नहीं आएगा बच्चों ठीक है और आगे चलो ए गोट मैरिड टू ईयर बिफोर एफ ए की शादी हुई है एफ से दो साल पहले ए की शादी हुई है एफ से दो साल पहले का मतलब है अगर एफ तुम्हारा अठारह में आया तो ए आएगा दो हजार सोलह में मतलब की अगर एफ तुम्हारा यहाँ आया तो ए आ जाएगा तुम्हारा 2016 में और अगर एफ तुम्हारा आया यहाँ पर 2017 में तो ए आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ठीक है एफ से दो साल पहले 18 एक छोड़कर 16 दो साल का गैप हो गया ना इस तरीके से 17 में अगर एफ होता है तो दो साल पहले 2015 की बात हो रही है ठीक है टू ईयर्स बिफोर मतलब बीच में एक साल का गैप समझ गए आगे चलते हैं गोट मैरिड टू बिफोर एफ ओ गए सेकंड डे पर नहीं हुई है इन आफ्टर टी बट नॉट इन ट्वेंटी सेवेंटीन कहता है बी की शादी हुई है बी गोट मैरिड इन वन ऑफ दफ्टर टी टी के बाद में बी की शादी हुई है इयर्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ इयर्स बी की शादी टी के साल के बाद होगी लेकिन 2017 में नहीं होगी टी के बाद में है बी लेकिन 2017 में नहीं है 2017 के लिए तो उसने कैंसिल कर दिया बी को ठीक है लेकिन टी के बाद में होगी बी की शादी टी के ईयर के बाद में होगी बी की शादी अब एक बात देखो बी तो मेरा कंफर्म है यहां पर है बी तो मेरा यहां पे ऑलरेडी है तो टी की पक्का उसने कहा टी के जब भी टी जिस साल टी की शादी होगी ना उसके बाद में भी की होगी किसी अगले वाले साल में आगे कहीं पर भी तो बी तुम्हारा फिक्स है 2016 में तो टी भी तो तुम्हारा कहाँ आएगा यहाँ अब पता नहीं डी की शादी टी से हुई है किससे हुई है तो मैं सिंपल नोट कर रही हूँ कि डी यहाँ पर है टी यहाँ पर है हो सकता है दोनों कपल्स हो है ना हो सकता है कोई बात नहीं रुक जाते हैं। अब आगे चलते हैं इज द वाइफ ऑफ यू ए यू की वाइफ है ए यू की वाइफ है तो यू यहाँ पर आएगा और ए uh, यू की वाइफ है चलो अभी इतना किया यू से रिलेटेड ये था यू के सामने एक छोड़कर बी यू के सामने एक छोड़कर बी तुम्हारा यहाँ पर आ गया ठीक है इतना हुआ आगे चलते हैं थ्री पर्सन बिटवीन ए ए के बीच में और तीन पर्सन किसके बीच में एट द वन हु गोट मैरिड टू आर जिसकी आर के साथ में शादी हुई देखो कहता है ए के बीच में और तीन है लेफ्ट से तो तीन का गैप नहीं है वन टू थ्री जिसकी शादी हुई आर के साथ में मतलब आर यहाँ पर आ जाएगा वेरी गुड हो गया क्वेश्चन मतलब कुछ कुछ हो रहा है दिख रहा है आगे कहता है इन वन ऑफ द इयर्स बिफोर ए गोट मैरिड अब किसकी बात हो रही है तीन लोग बैठते हैं ए एंड द वन हु गोट मैरिड टू आर इन वन ऑफ द इयर्स मतलब आर की शादी ए से पहले हुई है आर की शादी इन वन ऑफ द इयर्स बिफोर ए गोट मैरिड तो ए से पहले किसकी शादी बात किसकी हो रही है हु मैरिड टू हु गोट मैरिड टू आर है ना तो आर की शादी कहीं ना कहीं ए से पहले हुई है अगर मैं ए को यहां बनाऊंगी देखो ए यहां तो एफ यहां कहता है आर की शादी ए से पहले हुई है इयर्स की टर्म्स में बात हो रही है है ना की शादी से पहले हुई है आर की शादी ए से पहले हुई है इन वन ऑफ द इयर्स बोला हुआ है वहां पर इन वन ऑफ द इयर्स बिफोर ए तो ए तो पक्का हो गया अब यहाँ नहीं आ सकता ए से पहले आर की शादी हुई है तो ए यहाँ नहीं तो एफ यहाँ नहीं तो मतलब ए और एफ यहां पर अब बी और ए की तो आपस में शादी हो नहीं सकती ऑब्वियसली दोनों सेम यहां पर लाई करते हैं है ना तो ए यहाँ पर आ गया और आर तुम्हारा कन्फर्म हो गया यहां पर अब आर की शादी किसके साथ सॉरी एफ एफ ने आना है एफ ने आर नहीं ए से पहले आर तो यहाँ पर ये यह कन्फर्म हो गया कि आर यहाँ पर टी डी आर मतलब दो कपल्स यहाँ पर आएंगे दो कपल्स यहाँ पर ए की शादी बच्चों यू के साथ हुई है ये लो और देखो पी और सी आमने सामने सी की शादी हुई है पी के साथ में यहाँ पर आ गया अब एफ कहां पर आएगा ई e के साथ में या क्यू के साथ में वो हम देख लेते हैं ठीक है टी तो यहाँ पर नहीं है अब एफ यहाँ पर कहा आएगा वो देख लेते हैं पहले देख लो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने पढ़ तो लिया है रे बाबा चलो अब बारी आई है पूरा क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया और काफी सारी चीजें ऐसी है जो हमारे यहाँ पर बन भी गई हैं तो टेंशन लेने की बात है नहीं ठीक है बच्चा लोग चलो हम्म हम्म टी के बाद में बी यहाँ पर था टी के बाद में बी ठीक है आ चुका है एफ को हमने यहाँ बनाना है चलो कोई बात नहीं अब आ जाते हैं यू और आर के एग्जैक्ट बीच में वी वी आ गया यहाँ पर बी और वी की शादी हुई है बी और वी की शादी हुई है ये लो ठीक है अब जो जो हो गया उसको हटाई देते हैं ये हो चुका है यू और बी का हां यू और बी का सेम है का सेम था उसने बोला था E और क्यू का भी सेम बोला था ठीक है ये भी नोट कर चुके हैं अब 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 क्या बचता है हमारा ई और एफ के बीच में दो का गैप है ठीक है और यहां पर आर नहीं है मतलब जी की शादी आर के साथ में पक्का नहीं हुई जी भी बचता है अच्छा और एक चीज कंफर्म है कि ई e की शादी या तो एफ के साथ हुई है या फिर क्यू की शादी एफ के साथ में हुई है है ना ई e और क्यू एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अरे 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 मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ देखो छोटी सी चीज है कई बार ना ऐसा ऐसा हो जाता है अब ई e और एफ की तो शादी हो नहीं सकती क्योंकि दोनों सेम पर आएंगे तो एक तो कंफर्म नहीं हो गया कि एफ और क्यू यहाँ आएंगे एफ की शादी क्यू के साथ हुई है ये कंफर्म हो गया अब हम इस चीज को क्या नहीं बना सकते है? अब देखो ई e और एफ में दो का गैप है अगर तो ई e यहाँ पर आया तो दो छोड़कर एफ क्यू आ सकता है ई e को यहाँ बनाऊंगी दो छोड़कर एफ नहीं है जगह अगर ई e को यहाँ बनाऊंगी देखो मैंने अभी तक देखा ई e मेरा सिर्फ इस जगह पर सेट हुआ यहाँ पर नहीं हुआ यहाँ पर ऑलरेडी ए है ई e को यहाँ बनाया दो छोड़कर एफ सामने क्यों नहीं आ सकता तो ई e यहाँ पर नहीं ई e को यहाँ बनाती हूँ तो दो छोड़कर एफ की जगह नहीं है ए है अगर ई e को यहाँ बनाती हूँ तो दो छोड़कर एफ और क्यू यहाँ पर भी आ सकता है ठीक है लेकिन ई की शादी आर के साथ में पॉसिबल नहीं है आर तो यहां पर है ई वहां पर है तो मतलब कि कंफर्म हो गया मैंने सब जगह पर आपको ई रख कर दिखाया सब जगह पर। जगह पर पर ई सिर्फ एक बना यहाँ दो छोड़कर एफ क्यू डन हो गया तो यहां से एक और चीज पता चल गई ई की शादी किसके साथ हुई एस के साथ हुई देख लो मैंने आपको बोला था कि तीन ईयर्स ऐसे होंगे जिसमें दो दो कपल्स आएंगे तो पता है दो हजार पंद्रह सोलह और अठारह सत्रह में सिर्फ एक कपल है लगभग सारे कपल्स एक दो तीन चार पांच कपल्स हमारे डन हो गए सिर्फ दो बचे बोला था ना क्वेश्चन हो हो जाता है। पक्का हो जाता है है पक्का अब अब यहाँ पर पता है तो जी का हम सोच रहे थे ना या तो यहाँ पर ट्यूसडे के दिन या फिर हो सकता है एस की शादी एस की शादी तो ई के साथ में हुई है अब जी की शादी आर के साथ हुई नहीं तो मतलब कंफर्म हो गया जी तुम्हारा यहाँ नहीं आ सकता तो जी तुम्हारा यहाँ पर नहीं आएगा क्यों क्योंकि जी कहां पर आएगा मंडे के थर्ड राइट पर एक दो मतलब ए की शादी हुई है मंडे के दिन और तो कुछ बनता नहीं इन दोनों जगह के अलावा जी तुम यहाँ तो नहीं बना सकते फिर थर्ड राइट आएगा नहीं ना तो जी के लिए ये दो प्लेस थे आर की शादी जी के साथ हुई नहीं है डन हो गया तो बस अब हो गया लगभग क्या बचा है पी के सामने सी आएगा तो यहाँ पर आर है तो पी तुम्हारा यहाँ पर और सी यहाँ पर है ना क्योंकि सी आ तो यहाँ आता यहाँ आता सी के सामने पी की जगह थी नहीं ए बी सी डी बच गया तो यानी कि डी और आर की शादी हुई है तो समझ में आ गया कपल कैसे बनाना है डी और आर का बनाना है और यहाँ पर तुम्हारा टी बच गया जी और टी कपल डन हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों ठीक है अब यहाँ पर ये बच गया हमारा ए और यू की शादी जी और टी की शादी बी के साथ में वी की सी के साथ में पी की सैटरडे संडे बच गए तो उसने कहा था दो तो वाला कौन सा बचता है जरा देखो अठारह में ई तो यहाँ आ चुका है मतलब लेटेस्ट जिसकी सबसे शादी हुई है ना वो एफ क्यू कपल की हुई है और कौन सा बच गया तुम्हारा सी पी बध हो गया जी टी हो गया, RD, RD बच गया। तो सैटरडे के दिन आर ओ डी कपल की शादी हुई है क्वेश्चन खत्म खल्लास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन था बच्चों ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है आपको बहुत टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगेगा क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन कैसा लगा बताना जरूर ठीक है अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर यह हो गया हमारा इयर्स वाला ये हो गया डेज़ वाला ये हो गया हमारा अरेंजमेंट अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे अब आप इजीली आंसर कर सकते हो हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड पी और जी की शादी जिसके साथ हुई है उनके बीच में कितने लोग हैं पी और जिसकी शादी जी के साथ में कितने लोग है एक दो तीन वो अमंग फॉलोइंग विच अमंग कपल इनमें से कौन सा कपल है आर जी के लिए मना किया था मुझे याद आ गया जी और आर के लिए क्यू और ई के लिए स्पेशली मना क्वेश्चन में ही मेंशन था क्यू एस एसओ री वी एन डी एस ई वी एंड डी चेक कर लेते हैं ई -E है तो वी डी टी डी ऑब्वियसली नहीं होगा D नहीं है टी डी नहीं है सॉरी चलो बिल्कुल सही आगे S was married in which year? ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कहां पर कमेंट सेक्शन में अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों ब्लड रिलेशन का चलिए ये आपको नोटेशंस दी गई है हैश का मतलब क्या है पी 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 स्टार्टिंग में पी है तो चलो थोड़ा आसान हो जाएगा ये रहे क्वेश्चंस कहते विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस इंडिकेट दैट एल इस सिस्टर इन लॉ ऑफ के एल के के सिस्टर इन लॉ है आपको बताना है ये ऑप्शंस दिए गए हैं है ना तो अब यहाँ पर सबको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा यहाँ पर मैं देख रही हूँ डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी दिया गया है तो ए और बी को तो जरूर चेक करना पड़ेगा है ना अब एल के की सिस्टर इन लो कैसे हो सकती है मेरे पहले दिमाग में एल ऐसा है एल सिस्टर इन लो कब होगी जब तो ऐसा होगा या तो या फिर होगा कि एल की जिसके साथ शादी हुई है उसकी यहाँ पर किया जाएगा सिबलिंग हो जाएगा उसका के दो ही तरीके से एल सिस्टर इन लो हो सकती है ना कि एल का कोई सिबलिंग है उसकी शादी के के साथ में हुई है तो हम क्या कहेंगे एल के की सिस्टर इन लो है या फिर एल की जिसके साथ शादी हुई है उसका आगे सिबलिंग कोई के है तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि के की भाभी हो गई या आ, कुछ और भी बोल सकते हैं है ना हाँ भाभी होगी ठीक है बिल्कुल भाभी होगी तो इस तरीके से तो अब हम क्या करेंगे फटाफट से देखो हमको एल का क्या चाहिए यहाँ पर एल फीमेल होनी चाहिए एल एंड एन फटाफट से चेक करो एंड का मतलब क्या है सिस्टर तो एल बहन है एन की आगे एन एंड ओ एन बहन है किसकी ओ की सिस्टर की आ, ओ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क का मतलब है हस्बैंड तो ओ हस्बैंड हो गया के का है ना तो अब जरा देखो मैंने यही तो बोला था के, के का कोई सिबलिंग होगा के का सिबलिंग है एन नहीं ये ये वाला केस है ऊपर वाला के की शादी हुई ओ के साथ में और ओ सिब्लिंग है एल का एल की सिब्लिंग की शादी हुई है के के है है के के साथ साथ एल का है 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 ओ उसकी शादी हुई तो पहले से बिल्कुल निकल रहा है। क्योंकि मुझे ऑप्शन एंड भी दिया गया है तो मैं फटाफट से बी ऑप्शन भी चेक करूंगी एल एंड आर मतलब एल बहन है आर की आर के बाद में दिया है परसेंट के परसेंट का मतलब यहां से अगर हम चेक करें तो वाइफ है तो आर वाइफ है के की बात भी बिल्कुल सही हो गई L यहां पर भी K की वाइफ की बहन है L उसकी साली है मतलब सिस्टर इन लॉ है तो यहां पर बोथ हैंड भी आ जाएगा अब मुझे C को चेक करने की जरूरत तो है क्योंकि None of these ऑप्शन भी दिया गया है तो फटाफट -फड़ से यहां पर हम C को भी चेक कर लेते हैं इसको हटाई दो कुछ L एंड K एंड का मतलब मुझे पता है सिस्टर L को K की सिस्टर ही बना दिया सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगी फिर नहीं मतलब बोथ हैंड भी अगला विच ऑज द फोलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इज डेफिनेटली ट्रू तो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं क्योंकि आगे यू डब्ल्यू वी सबके रिलेशनशिप से एक दूसरे के साथ पूछे हैं तो फटाफट से एस क्वेश्चन मार्क वी क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है हस्बैंड तो एस इज हजबी वी डॉलर टी डॉलर्स का मतलब ये रहा मदर वी इज मदर ऑफ टी ये लो टी परसेंटेक्स परसेंट का मतलब है बच्चे वाइफ तो टी इज वाइफ ऑफ एक्स एक्स हैश यू। हैश यू मतलब इज सन ऑफ यू 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 ये लीजिए हैश वाई मतलब इज़ सन ऑफ वाई यू इज सन ऑफ वाई आगे वाई एंड डब्ल्यू एंड का मतलब क्या है सिस्टर वाई इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू अब यू इज फादर इन लॉ ऑफ टी चेक करें यू यहां पर टी के बिल्कुल फादर टी की टी के हस्बैंड के फादर हो गई यू तो यू फादर इन लॉ है टी के पहला सही डब्ल्यू कैन बी आंट ऑफ यू डब्ल्यू यू की आंट कैन बी बोला ये नहीं बोला पक्का है क्योंकि डब्ल्यू का यहाँ पर हमको जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पर तो डब्ल्यू कैन बी यस डब्ल्यू यू की आंट हो सकती है यू की मदर की सिस्टर हो सकती है है ना मासी हो सकती है तो ये बिल्कुल सही है वी इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स वी एक्स की मदर इन लॉ बिल्कुल सही वी कौन है मदर ही तो है ये लीजिए y इज ग्रैंड मदर ऑफ x y कौन है x की ग्रैंड मदर बिल्कुल सही भैया सारे ही ठीक है यहाँ पर ऑल ऑफ द अब आंसर आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करा रही हूँ। ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है और इसका आंसर आप सभी को देना है मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक है तो रिकॉर्डेड सेशन है है इसलिए है कि मैं लगता कि मैम आप लगातार बोल रहे वहां पर क्या होता है और टाइम ज्यादा जाता है यहाँ टाइम कम लगता है और ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन होते हैं ठीक है इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में दे, दे देना तो आज आपने किया है बहुत ही बढ़िया एक सीटिंग अरेंजमेंट किया है पैरल रो वाला और ब्लड रिलेशन का कोडेड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन किया है ठीक है बच्चा लोग और दोनों ही क्वेश्चन के हैं अच्छे हैं जो आपको मैंने सीटिंग अरेंजमेंट वो बहुत अच्छे लेवल का है है ठीक तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में बता देना नेक्स्ट भी कुछ चाहिए कुछ स्पेशल आपकी डिमांड है तो बता देना क्रिटिकल रीजनिंग हाँ बच्चे बोल रहे हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग पर मैं एक और सेशन बहुत जल्दी ऐसे ही मिक्स्ड अब मैं आगे आपके लिए सभी मिक्स्ड सेशंस लेकर आऊंगी तो जिसमें थोड़ा 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 सब कुछ प्रीवियस वाला भी और नया भी कराती जाऊंगी ठीक है तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बाय टेक केयर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाओ वहां पर डेली बेसिस पर आपको चेकलिस्ट मिलती है और इस सेशन की पीडीएफ भी मैं वहां पर शेयर करूंगा ओके बाई बाई, टेक केयर